बीते दिनों केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पूर्व निदेशक बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार किया। अरबों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग, चर्च लैंड स्कैम और विदेशी चंदा मामले में पूर्व बिशप से अब पूछताछ की जाएगी, जो कि 20 अप्रैल तक चलेगी। यह तो खबर का एक पक्ष हो गया, जिसे सभी मीडिया चैनल्स पर आपने देख ही लिया होगा। लेकिन इन सबके अलावा भी क्या आपने एक चीज इनमें कॉमन देखी? अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पूर्व बिशप पीसी सिंह हिंदू था और कन्वर्जन के बाद वह ईसाई बना। यह बार बार दिखाकर हमारे दिमाग में उसके हिंदू वाली एक छवि सेट की जा रही है, जबकि मामला कुछ और ही है। आज के वीडियो में हम पूर्व बिशप का पूरा चिट्ठा समझेंगे और ये जो हमारे सामने एक नैरेटिव सेट किया गया है, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व संवाद केंद्र पर। पीसी सिंह का पूरा नाम डॉक्टर प्रेमचंद सिंह है, जिसका जन्म 12 दिसंबर 1962 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव चंदसुरारी में हुआ था। मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ डिविनिटी क्रिश्चियन एजुकेशन में डॉक्टर ऑफ डिविनिटी यूएसए हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट हैदराबाद से व्यापक परिस्थितिक नेतृत्व में दिव्यता के डॉक्टर इत्यादि करने के बाद पीसी सिंह 8 अप्रैल 1988 को क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल जबलपुर में नियुक्त हुआ और 10 अप्रैल 1990 को सेंट ऑगस्टाइन चर्च बिलासपुर में प्रेस्टिवेटर के रूप में नियुक्त हुआ। वह 1995 से 99 तक डिसिपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट CNI जबलपुर के प्रेस्टिवेटर का प्रभारी रहा और 1999 से 1904 तक सेंट पॉल चर्च घमापुरा में प्रेस्टिवेटर प्रभारी था। 13 अप्रैल 2004 को वह जबलपुर सूबा के चौथे बिशप के रूप में चुना और 25 अप्रैल 2004 को क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल CNI जबलपुर में बिशप के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसके नेतृत्व में 6 नए स्कूल भी स्थापित किए गए, जहां मध्य प्रदेश में अधिनियम के तहत कन्वर्जन अवैध करार दिया जाता है, वहीं पीसी सिंह 20 लोगों के कन्वर्जन कराने को अपनी उपलब्धि गिनाता था। वर्ष 2022 में आईबीसी 24 में छपी रिपोर्ट के अनुसार उसने सतना जिले के अमरपाटन स्थित कुछ बंदिया मोहल्ला के बंधुओं का कन्वर्जन कराया था। डायोसिस ऑफ जबलपुर संस्था पीसी सिंह के परिचय में उसके लिए लिखती है कि एक व्यक्ति के रूप में हमारे मॉडरेटर के रूप में बहुत ही दयालु वह व्यक्ति है और देखभाल करने वाले और सहायक बिशपों में से वह एक है। जब वह यह सब कन्वर्जन करा रहा था, तब किसी एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया और चर्च ऑफ इंडिया द्वारा उसके विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और ना ही इसकी कोई खबर सामने आई कि ऐसा करने पर भी इनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई की अपील की गई हो। लेकिन जब अपने फायदे के लिए बिशप यह सब करने लगा, तो इन संस्थाओं ने उसके विरोध में कॉन्फ्रेंस करके काले चिट्टे खोल दिए। जब वो कन्वर्जन सहित अन्य अच्छे कार्य उनके लिए कर रहा था, तब उसके हिंदू होने की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई, तो प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों द्वारा उसके हिंदू होने की बात को उठाया जाने लगा। यह कहाँ की पत्रकारिता है साहब, जहाँ सारा ठीकरा हिंदुओं पर ही फोड़ने के लिए आप उतावले रहते हैं। 24 वर्षों से भी ज़्यादा समय जिस व्यक्ति ने क्रिश्चियनिटी की सेवा के लिए दिए, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए वह कामों को करता रहा, उस समय तो किसी को उसके हिंदू होने की याद नहीं आई। लेकिन
जैसे ही वो गलत काम करके जेल जाने की स्थिति में आ गया तो उसका हिंदू कनेक्शन निकाला जाने लगा। यह पत्रकारिता शोभा नहीं देती, यह गलत है, और अब ऐसे नैरेटिव में लोग फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी चीज़ों को अपने पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।